श्री मथुरेशो जयति। अब आत्मकल्याण से ही विश्व कल्याण है। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य। विश्व में कोरोना COVID-19 के संक्रमण से भय और अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। यह समय गंभीरता से विचार करने का है। इस समय सभी के मन में एक ही प्रश्न आ रहा है कि अब आगे क्या। विश्व की बड़ी बड़ी महासत्ताओं की मजबूत जड़ों को एक ही वायरस ने हिला दिया है। दौड़ती जिंदगी में एकदम से ब्रेक लग गई है। आप सबको मालूम ही है, जब अचानक ब्रेक लगती है तो जोर का झटका लगता है। बस अब भारत को इसी झटके से बचना है। लेकिन भारत की जड़ें इतनी कमजोर नहीं कि एक झटके से हिल जाए। भारत में विज्ञान के संग आध्यात्म ज्ञान हमें ज्यादा मजबूती देता है। विज्ञान हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है तो आध्यात्मिकता हमारे मन को स्वस्थ रखती है। सरकार के द्वारा सभी को घर में रहने के आदेश दिए गए हैं। हम इस आदेश का दृढ़ता से पालन करें। भले कितना ही मन बाहर जाने को करे, इस चंचल मन को अभ्यास और योग से अपने वश में करके घर में ही रहने का प्रयास करें। आपकी घर में रहने की तपस्या पूरे भारत के लिए सदुपयोगी होगी। आज आपके आत्मकल्याण से ही विश्व का कल्याण होगा। इसलिए पहले खुद का ख्याल रखें। मैं पुष्टि मार्ग आचार्य होने के नाते सभी से यही कहूंगा कि आज का यह समय घर में रहकर सेवा सत्संग करने का है। पुष्टि मार्ग सेवा में राग भोग श्रृंगार सेवा के ऐसे तीन अंग हैं कि कब सेवा में आपका दिन निकल जाए ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। मन अशांत हो तो कीर्तन द्वारा मन को आनंदित रखें। कीर्तनम सुखदम सदा। भगवत कीर्तन मन को सदा सुख देता है। घर में संगीत सुनते रहें, अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहें। और आज तो हम विज्ञान के माध्यम से वीडियो कॉलिंग द्वारा सभी से जुड़ सकते हैं। ऐसे आधुनिक माध्यमों से सभी से अलग रहकर भी जुड़े रह सकते हैं। ये इंटरनेट का सुखद युग है। अतः इंटरनेट द्वारा सत्संग आदि भी करें। सबको देशभक्ति दिखाने का यही समय है कि घर में प्रभु भक्ति करें। इससे देशभक्ति एवं स्वमार्गीय भक्ति दोनों का निर्वाह हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कृपया ध्यान से सुनिए। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस समय जिनके पास भोजन आदि की व्यवस्था न हो, ऐसे लोगों की सहायता करें। लोगों के साथ हमें उन प्राणियों का, उन पशुओं का भी ध्यान रखना है जो हमारे ऊपर निर्भर हैं। विशेषतः हमें अपनी गौ माता का भी ध्यान रखना है। पुष्टि मार्ग में पहले गौग्रास उसके बाद ही महाप्रसाद ग्रहण करने की प्रणाली है। आप जिस किसी भी गौशाला से जुड़े हों वहाँ आज ही फोन करें और संपर्क करें और पूछिए कि वहाँ दाना भूसा जल गौवंश के लिए पर्याप्त है कि नहीं। नहीं है तो मैं आग्रह करूँगा कि किसी भी माध्यम से वहाँ द्रव्य पहुँचाया जाए, जिससे अपनी गौ माता को गौवंश को कोई परेशानी परिश्रम ना हो। और एक बात, हमें व्रज श्री गिरिराज जी से समाचार मिल रहे हैं कि वहाँ अभी परिक्रमा बंद होने के कारण वहाँ के बंदरों को भूखा रहना पड़ रहा है। यह तो एक उदाहरण है। ऐसे न जाने कितने मनुष्य और पशु पक्षी होंगे जिन्हें भोजन आदि की आवश्यकता होगी। आप जहाँ भी संपर्क कर सकें, जैसे भी संपर्क कर सकें, उन्हें सहायता पहुँचाएँ। जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सभी की सहायता करें। ध्यान रखिए, रुपया गलत एवं स्वार्थी हाथों में ना पहुंच जाए। इससे जीवों को आवश्यक सहायता नहीं पहुंच सकेगी। यह कोरोना काल जल्दी से ही निकल जाएगा, फिर से यह विश्व पहले जैसा आनंद प्राप्त कर सकेगा। इन दिनों को हम विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय से समय व्यतीत करते हुए बिताएं। यह परीक्षा का समय है।
यह ऐसा युद्ध है जो घर में रहकर ही जीता जा सकता है। अब मैं अपने कोटा के सभी निवासियों से विशेष रूप से कहूँगा कि हमारी कोटा नगरी तो बड़ी धार्मिक नगरी है, कोटा निवासी बहुत सहनशील हैं, तो आज हम सबको घर में रहकर तपस्या करनी है विश्व शांति के लिए। इस तपस्या का फल हमें शीघ्र ही मिलेगा, पुनः विश्व में शांति होगी, पुनः हम सब मिलकर आनंद करेंगे। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, हम प्रार्थना करते हैं संपूर्ण विश्व के लिए। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा जो ये धरती है, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। हम हमारे वैश्विक परिवार के लिए श्री मथुराधीश प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि विश्व में सुखमय शांति हो, विश्व का कल्याण हो। मा कश्चित दुख भाग भवे, कोई भी दुख का भागी न बने। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, हर स्थिति में प्रसन्न रहें, क्योंकि सदा प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम द्यौः शान्तिः अंतरिक्ष गुम शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।